नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जम्यार। आपको सबसे पहले लिए चलते हैं, दरअसल आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, पूर्व प्रधानमंत्री, और उन्हें नमन करने के लिए जो तमाम गणमान्य लोग हैं उनकी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहले से मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष की वहां पर मौजूदगी है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज, देश का राय वाजपेयी जी को याद। आज बीजेपी की ओर से जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बहुत ही अच्छे इंसान भी थे, जो तमाम गणमान्य लोग हैं उनकी मौजूदगी यहां पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति अभी भी पहुंचे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद हैं, राजनाथ सिंह की मौजूदगी है वहां पर, और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी मौजूदगी है। ऋषि मंडल को तो आप सभी देखते ही होंगे, वह ओम बिरला को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति गगन के ध्रुव नक्षत्र बन गए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर तनिक ऊंचा उठाकर देखें, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने के लिए, याद करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विचारों के अनमोल मोती और किसी के हो ही नहीं सकते श्रद्धेय अटल जी के, वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की राजनीतिक कुशलता और आचार्य चाणक्य की दृढ़ निश्चयी बुद्धि के प्रतीक थे। तो ये तस्वीरें लगातार अब आपको दिखा रहे हैं, देश आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, और इस मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, और अभी अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी मौजूदगी वहां पर है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर पहुंची हैं। श्रीमती 16 अगस्त को उनका देहांत हो गया था साल 2018 में, और विश्व की ताकत वर शक्तियों के विरोध उनकी पुण्यतिथि पर आज उन्हें नमन करने के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, तमाम हस्तियों की मौजूदगी यहां पर है। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी चलते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी अब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सामने के दर्शक दीर्घ से निवेदन है, कृपया भजनों के उपरांत माननीयों के प्रस्थान करने के बाद ही पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आगे आए। माननीय राष्ट्रपति महोदया, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं, कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई श्रद्धेय अटल जी को। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता बोलते हुए श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। स्वयं श्री शिव मंगल सिंह सुमन ने अटल जी के बारे में कहा था कि ऐसा संवेदनशील कवि जो संघर्षशील योद्धा भी है, चुनौतियां भी देता है और विद्रोह भी करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है श्रद्धेय अटल जी को।
आज अटल जी हम सबको बहुत याद आ रहे हैं, हमेशा से वो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित किए। तीन बार के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, उपराष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी यहाँ पर है और तमाम हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। तीन बार देश की सेवा प्रधानमंत्री के तौर पर सरल व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है आज और उन्हें नमन करने के लिए देश के राष्ट्रपति, उन्हें याद करने के लिए देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, उपराष्ट्रपति पहुंचे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज हमारे बीच में प्रार्थना सभा में संगीत में, तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को। युवाओं में संगीत की बड़ी लोकप्रिय लहर हैं आप, टीवी रियलिटी शोज के विजेता हैं, आपकी खासियत है। ये सीधी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और कई वाद्य यंत्र, सदैव अटल दिल्ली से अब आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त उत्तराखंड से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और उन्हें आज नमन करने के लिए तमाम लोगों की मौजूदगी आप देख सकते हैं। जयंत चौधरी ने भी उन्हें नमन किया है, केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी उन्हें नमन किया है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी है, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी यहां पर आप देख सकते हैं। एनडीए के सहयोगी जो हैं वो लगातार इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। अगस्त 2018 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने और उनके जैसा सरल व्यक्तित्व जो है उसकी सराहना उस वक्त जब वो जीवित थे, प्रधानमंत्री थे, उसकी सराहना विपक्ष भी करता रहा। एक संवेदनशील कवि के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर जिनकी इज्जत जो है वो विपक्षियों ने भी हमेशा की और जब विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी रहे तब सत्ता पक्ष को घेरने का उनका जो अंदाज था वो निराला था, वो खास था। और इसलिए उन्हें नमन करने के लिए आज ऐसा लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान उमड़ रहा है सदैव अटल पर दिल्ली में। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। 16 अगस्त 2018 को उनका देहांत हो गया था, लंबी बीमारी के बाद डिमेंशिया के शिकार थे, फिर यूरिन में इन्फेक्शन हुआ और आखिरकार एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। गिरिराज सिंह को भी देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उन्हें नमन करते हुए, साधु संतों की मौजूदगी भी यहां पर दिखाई दे रही है जो तमाम लोग यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने के लिए पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंची हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी है, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, ये तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी मौजूदगी यहां पर। सदैव अटल समाधि स्थल से ये हम आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, याद किया है, नमन किया है पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सदैव अटल समाधि स्थल से, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, देश की राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी यहाँ पर है, बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है।